पाक फौज और जिना हाउस पर मुसल्ला दहशत गर्दों के जत्थों के हमलों पर कराची के मारूफ ताजर और नायब सदर कैपिटल मेट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन शकील कुरैशी की अहम गुफ्तगु दिखा रहे हैं अशरफ सावल जी। अशरफ सावल, शकील कुरैशी क्या कहते हैं 9 मई के स्याहतरीन दिन के हवाले? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में और कराची के कैपिटल मीट मर्चेंट एसोसिएशन वेलफेयर के जो पाकिस्तान के नायब सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, शकील कुरैशी साहब। उनसे हम जानते हैं कि 9 मई के हवाले से वो क्या कहते हैं कि मुसल्ला अफवाज पर हमला, पाकिस्तानी इमलाक पर हमला और इसके साथ साथ जना हाउस पर हमला करने वाले मुसल्ला दहशतगर्द जत्थों के हवाले से उनका क्या कहना है? जी शकील कुरैशी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ वक्त में से हमें वक्त दिया, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सर बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना था। हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ फौज के ऊपर कोई हमला करे या कोई ये करे, बहुत गलत किया है इन्होंने। इस मौके पर आप पैगाम क्या देंगे? पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है, पाकिस्तानी कौम हमारे को देख रही है, इन दहशतगर्दों से अल्लाह बचाए, हमारे मुल्क को भी बचाए। हमारे हम उन फौज की वजह से तो हम सुकून से सो रहे हैं, फौज की वजह से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर उन पर हमलावर करेंगे तो बेकार है ना फिर तो। ऐसी दहशतगर्द पार्टी नहीं चाहिए पाकिस्तान में भाई, इसको बैंड लगाया जाए, इसको बंद किया जाए बिल्कुल। नाजरीन, ये कैपिटल मीट मर्चेंट एसोसिएशन वेलफेयर के जो नायब सदर पाकिस्तान के शकील कुरैशी साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो हमारी मुसल्ला अफवाज पर हमारी सलामती पर उंगली उठाते हैं, उन पर हमले करते हैं, ऐसी पार्टी को फौरी तौर पर बैन किया जाए। शकील कुरैशी साहब, आपने ये जो तकरीबन जैसे पाकिस्तान की मुहब्बे वतन जमाते हैं, मुहब्बे वतन लोग तमाम का यही मुतालबा है, लेकिन इसमें एक साथ ये भी बताए ना कि जैसे बहुत से लोगों ने तो ये किया है और बहुत से लोगों का नाजायज़ भी नाम आ गया है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? तो उसमें तो पत्थर के साथ सब उठते हैं ना भाई, जैसे जब लाजमी सी बात है, बहुत से भी मुनासिर अनासिर मिल जाते हैं ये काम करने के लिए, मगर उकसाया तो इन लोगों ही है ना, सबने उकसाया तो इन लोगों ने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंगलों पे हमला, इधर हमला उधर हमला। अच्छा, अब तो जो पीटीआई के बहुत से लीडरान थे वो जब कश्ती डूबने लगी है तो छलांगे लगा रहे हैं। हाँ तो लगाएंगे ना वो, अब उनको नजर आ रहा आगे कुछ नहीं है, गड्ढे के सिवा कुछ भी नहीं है, ये बहुत हमसे गलत हो गया है, अभी पछता भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, जेलों की हवा भी खा रहे हैं। अच्छा, आर्मी से, पाक आर्मी से और जना हाउस के हवाले से आपकी मोहब्बतें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम सुकून से रहे, तसल्ली से रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। नाजरीन, ये शकील कुरैशी साहब थे जो कैपिटल मीट मर्चेंट एसोसिएशन वेलफेयर के नायब सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपना मौकफ दिया और उनका यही वाजिया पैगाम था कि मुसल्ला अफवाज है तो हम हैं, जो हमारी मुसल्ला अफवाज हमारी हफाजतें करती है बॉर्डर पर खड़ी होकर, अगर हम मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएँगे और उन पर हमले करेंगे तो हमें ऐसी जमात नहीं चाहिए। जी मेरे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के बहुत ही पुराने वर्कर और मुख्तलिफ अहदों पर रहे, फिशरी के अहदों पर रहे, वो हमारे साथ जो है कि अजीज़ मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। अजीज़ मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, एक अरसे के बाद आपको देखा मैंने, गालबन 2006-07 में आपको देखा था और बहुत अरसे बाद इस वक्त आपसे मुलाकात हुई, तो 9 मई के हवाले से आपका क्या पैगाम है? 9 मई के हवाले से मेरा पैगाम ये है, जो 75 साल के अंदर जो दुश्मन कुव्वत है वो कुछ ना कर सकी, जो हमारी एक नाम नियाज सियासी तंजीम बन कर बैठी हुई है उन्होंने वो कर दिखाया। सबसे पहले आज वही लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया है, कोई और थे। अरे यार, तुमने उसकाया तो तुमने अपनी तकरीरों में, लोगों को उसकाया तुम लोगों ने कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा, गिरफ्तार करोगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। आज क्यों मोबाइलों में बैठते हुए गाल फट रही है तुम लोगों की? आज तुम कहते हो कि हमने नहीं किया है। मेमन साहब, आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान ही दे रहे हैं ना, यही बिलावल भुट्टो साहब का बयान है? यार, बिलावल भुट्टो अगर ये बयान दे रहा है तो ये हमारा सबका माइन है, हमारा माइन है। ये चीजें हम मीडिया पे भी देख ही रहे हैं कि आज जो बख्तरबंद गाड़ी देख के कुत्तों की तरह भागते हैं पलट के कोर्टों से वापसी, और यही लोग पाक आर्मी पे पत्थर फेंक रहे थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, लेकिन बहुत नाजायज है। ये हमारी मुल्क की अफवाज है और इसके लिए हमारे दिलों में बहुत ज्यादा कदर है। आज जो बैठ के कहते हैं, दावेदार बनते हैं कि हम आर्मी के ये हैं, हमारा खून है, हमारा खानदान है, ये सब झूठ और फरेब है इनके।
नाज़रीन आपने अजीज़ मेमन साहब की गुफ्तगू सुनी, इससे पहले आपने शकील कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि मुसल्ला फौज के साथ हम खड़े हैं। जी।